हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निकूज़ व्लॉग में। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो गए। तो गाइस, आप आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं करनाल की करण लेक, जो कि घूमते घूमते आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी भाई। तो ये है दोस्तों करनाल की करण झील, जो कि करण ताल के नाम से भी फेमस है। तो भाई, ये दिल्ली और चंडीगढ़ से लगभग 125 किलोमीटर बराबर दूरी पर स्थित है और इसके नियर बाई स्टेशन है करनाल का, जहाँ से आप ऑटो टैक्सी बस या मतलब अपना व्हीकल लेके आ सकते हैं। और भाई, ये मेन रोड पर स्थित है जहाँ पर मतलब दिल्ली और चंडीगढ़ आने जाने वाली बसें रुकती हैं। और सबसे मेन बात ये है कि दोस्तों, यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट घूमने को मिलेगा। यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पार्किंग है। लगभग एक डेढ़ घंटा आप सुकून के साथ यहाँ पर अपना खुद का या अपनी फैमिली के साथ टाइम बिता सकते हैं। और पौराणिक कथाओं के अनुसार दोस्तों, ये जगह दुर्योधन ने कर्ण को दी थी। यही वो झील है जहाँ पर कर्ण नहाते थे और उनका नाम दानी कर्ण क्यों पड़ा था, क्योंकि इस झील में नहाते नहाते ही उन्होंने अपने कुंडल कवच, जो कि उन्हें सूर्य से वरदान के रूप में प्राप्त थे, उन्होंने इंद्र भगवान को मतलब दान दे दिए थे। तो इसी कारण उन्हें दानी वीर कर्ण कहा जाता था। तो दोस्तों, आओ और अपने परिवार के साथ यहाँ घूमो। जय हिंद। तो दोस्तों, ये है करनाल लेक करनाल में। यहाँ पे भाई एसी रूम्स, रेस्टोरेंट, फास्ट फूड, बार, कॉन्फ्रेंस हॉल और बोटिंग की जाती है भाई। और ये है इसका मेन रास्ता। इस साइड है दिल्ली पब्लिक स्कूल, इस साइड ड्रीम लैंड वाटर एंड एम्यूजमेंट पार्क भी है भाई। एंट्री कर ली है। तो एक बार तो खड़ा होगा, अपना इसका व्यू दिखाऊँगा कैसा है इसका व्यू। तो ये है दोस्तों इसका व्यू, ये देखो मनमोहक दृश्य है। बत्तख हैं भाई इसमें। ये हैं भाई हमारे महान वीर दानी करण, जिनके नाम से ये झील बनी है भाई, जिनके नाम से करनाल का नाम पड़ा है। तो ये हैं भाई दानी करण, जो कि महाभारत के एक मुख्य पत्र के तौर पे जाने जाते हैं। और ये हैं भाई आर्यभट्ट, सी चरक, बहुत ही अच्छी संस्कृति का परिचय देते हुए करनाल में करण लेक पर ये बनाया गया भाई। ऋषि अगस्त्य, ये देखो भाई, ये है महावीर आचार्य जी। अरे ये हैं भाई खाली चबूतरा जी। और ये है हमारे लहरिया जी, जो करण लेक पर मॉर्निंग वॉक करते हुए। ये हैं भाई महर्षि पतंजलि, जिनके नाम से भाई बहुत ही बड़े संस्थान पतंजलि विद्यापीठ, जो रामदेव द्वारा संचालित है। और ये हमारे जवान ग्रिल कूद अंदर आते महर्षि सुश्रुत जी, ये भाई जो पुराने टाइम में इलाज कराया करते, वो दिखा रखे पद्धति, इलाज की पद्धति दिखा रखे भाई। अब है भाई बॉस, जिनकी नीतियों पर हर कोई खरा नहीं उतर सकता, जिनकी नीतियां विश्व प्रसिद्ध हैं। ये हैं कौटिल्य चाणक्य जी। ये दफा हो जा रामखोर, जाऊं जी जाऊं। ये हैं भाई ऋषि कनाथ, ये मेरे को इशारा कर रहे हैं चले आ जा। समझ गए होगे। तो भाई वो है करण लेक का व्यू भाई। सुबह सुबह तो यहाँ शादीशुदा के लिए तो है सुकून, क्योंकि यहाँ भीड़ नहीं होती सुबह सुबह। और भाई सुकून कुआरिया खातर, अरंडिया खातर है शाम ने, क्योंकि घनी भीड़ हो जाए। तो भाई यो मजाक की बात है भाई, कोई सीरियस ना लियो और कोई मेरे करेक्टर ने जज ना करियो भाई। तो मैं तो मजाक करता करता अपने ब्लॉग बनाता रहूँगा भाई। ये भाई बत्तख अपना सवेरे सवेरे देखो, होय कित बज जाएगा, कित बज जाएगा, कित बज जाएगा, बज गया बज गया बज गया बज गया, पांडा लुकेगा, पांडा पे नहीं छोड़ दिया। ये भाई इसका बीच का रास्ता,
मिडवे। तो ये भाई कुछ मूर्तियाँ बना रखी हैं, स्टैचू बना रखी हैं। तो भाई ये है महाराजा रणजीत सिंह, आपको सत सत नमन, हेमचंद्र विक्रमादित्य, ये हैं छत्रपति शिवाजी भोसले, ये है समुद्रगुप्त। भाई बहुत अच्छी अच्छी अपने सांस्कृतिक और अपने प्राचीन योद्धाओं के बारे में बता रखा है। ये है भाई राजा भोज, कहाँ गंगुतेली, महाराणा प्रताप, ये हमारे भाई सारे जो क्षत्रिय वीर महान योद्धा हुए हैं उनके, पृथ्वीराज चौहान जी। और इस साइड है भाई महान अशोका, और ये हैं हर्षवर्धना। आप मुंह साइड में क्यों कर रहे हो महाराज, देखो मैं आपका व्लॉग बनाने लग रहा है, आपने खुशी होनी चाहिए। ये भाई बोटिंग की साइड दिखाऊंगे आपने, इसमें कुछ डांस वांस का प्रोग्राम है, डीजे डाजे बाजदार है, कल भी गाना बाज रहा था, वो कुकर था वो गाना बाज है भाई, ओ नन्ने नन्ने, ओ नन्ने नन्ने घूंगरू चांदी का मेरा नाड़ारी, वो वाला भाई। ये वो ही बत्तख हैं जो अभी दूसरी तीसरी क्लास में बनाया करते, नाड़ बनाई दी और पुंजड़ी ठा दी, बाकी सारी पानी में डबो दी। तो भाई जब था एकला अरे बलिया सुशील ने खेलिया आनंद लेते हुए, तो भाई घना एकला भी नहीं आना चाहिए, बॉडी पेयर के साथ घूमना चाहिए, बॉडी पेयर के साथ घूमना चाहिए, बड़ी पेयर बड़ी, कोई बात ना अपने सारी चल लेंगे। भाई सवेरे सुशील भाई तो 4:30 लाग जाए भाई, 10-12 किलोमीटर रनिंग कर ले, वॉकिंग कर ले, मार पत उठा कौन जाओ भाई, ठीक है इसकी तो ओडो है कौन है, मार दे 3-4 साल बड़ा है, 1 महीने की में बाकी ओडो कौन आऊँ भाई, सुपर फ्लेक्सीबल बॉडी वाला बंदा, ट्रेनिंग में भाई सारी दे ही मोड़ दिया करता कति। दिखाओ भाई जो अपने बोट, ये भाई भाई तैयार हो गए हैं अपनी बोटें की सफाई सफाई करने लग रहे हैं। ये सांसंदी है लाग जाएंगे, तीसका दो तीसका दो तीसका दो, बाकी अड़े भाई प्राइस लिस्ट है लगा रखी बोटिंग रेट्स, तो शायद इस कैमरे की क्वालिटी में तो दिखे कौन है, बाकी उड़े जाकर दिखा सकूँ भाई। तो भाई इसमें आ गए हैं हम किड्स जोन में, किड्स जोन में है भाई बुल राइड वगैरह झूले आ गए हैं भाई। तो ये प्राइस लिस्ट है इसमें वो बता दूँ, तो भाई ये बोट है दिखा दूँ आप सबने, ये देखो ये बोट है, बोट को नहीं भाई साइकिल ही है, अपने बैठ कर साइकिल चलानी बस, पानी वाली साइकिल है। ये भाई थोड़ा खान पीन का फास्ट फूड का एक जंक्शन है, इसमें आइसक्रीम वगैरह सब मिले हैं, और भाई मैं तो आइसक्रीम खाऊँ को ना, सीधी सी बात है भाई, क्योंकि मेरे हो रहा है जुकाम खांसी बुखार, तो अपने तो भाई बंद है कहना डॉक्टर का रेस्ट्रिक्शंस, तो पीछे भी है कुछ खाने का, पान सोप है, एल्थी जूसी द कोन गाय कुछ है, दिखाऊंगे भाई वो भी, रास्ते में चलते चलते मिल गया कबूतर, कबूतर गया उड़ और ये देखो भाई गिलहरी आगे आगे भागते हुए, बाजे ना कोनी मारूं चिंता ना करे। यो भाई भाई साहब उन बोट वाली प्रजाति का है रही, उन तो नाराज हो गया रही, खा गया फांसी, ठीक है। ये आपने दिखाओगे भाई झूले, यो वो सौदा है भाई जिस पर कदे नहीं डटा गया, कदे नहीं बैठा गया भाई, चंडीगढ़ सुखना लेक पर बैठ गए थे, भर्ती देखने जा रहे थे, एक दो बार तो भाई आंगा लगाया कति ऊपर तले के नीचे तय पाछा मारा बगा गया वह पर ले काश है, तो इस पक्का दे फिर जब बैठे को ना बेरा भाई कितना गो थे। अरे यो है भाई इसने तो बालक जान दे होंगे का के नाम हो भाई, अब इन तो बेरा को बालक देखा कर। और भाई ये है जायज 7-8 हज़ार का लगाने का भी इतना हो तो भाई अपने इसमें बैठ जाएंगे, ठीक है। तो ये है बच्चे का किड्स जोन, ठीक ठाक है काम चला हुआ है।
ये है भाई फुहारी, ये शायद सन चाल देना मन तो लगता को नहीं, ब्योथ इनका चाल दे होंगे क्योंकि पत्ते पत्ते पड़े हैं भाई। और ब्योथ की देखा है पानी है को नहीं, पानी थोड़ा बहुत हो तो क्यों बने भी बात है, नहीं तो है को ना भाई सवेरे गल दे सन सूख जाता हो, चल दे कोने भाई करनी चल दे नहीं कत्ती नहीं चल दे। बी एन चक्रवर्ती गवर्नर ऑफ हरियाणा 1967 से 1976, मतलब बहुत लंबे साल तक रहे हैं। ये भाई आपको दिखाते हैं आजाद 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन करनाल हरियाणा 16/8/2023 को, सल्यूशन टू द हीरोज हु सैक्रीफाइड देयर लाइव्स टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम एंड द प्राइड ऑफ द मदरलैंड, डेडिकेटिंग एवरी मिनट ऑफ आवर लाइफ एंड एवरी आवर्स ऑफ आवर एनर्जी फॉर आवर मदरलैंड इज द ट्रू ट्रिब्यूट टू आवर फ्रीडम फाइटर्स नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये वीरों के नाम है भाई, लेट श्री अजीत सिंह गुप्ता, मतलब बहुत है, 33 हैं जो देश के वीर योद्धा थे उनके नाम यहाँ लगा रखे हैं, क्योंकि बहुत अच्छी बात है भाई, शहादत कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है अपने देश के खातर, बहुत बड़ी बात है एक सिपाही के लिए एक फौजी के लिए। कुल मिलाकर ठीक ठाक है यार, ज़्यादा हाई लेवल के भी नहीं कह सकते लेक को और ज़्यादा लो लेवल के भी नहीं कह सकते, एक मीडियम परिवार जो अपने बच्चे ने घुमाना चाहो है समझ सको, मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि शायद किसी ने फील भी हो जाए भैया बात, आप समझ सको अपने बच्चे ने थोड़ी खुशी दे दे, खुशी दो लेकिन थोड़ी खुशी दो तो अपना अपना कनाडा ले आ सके भाई, अच्छी जगह है घूमने की है, सबसे बड़ी बात है भाई चाहे पैसे लगो या ना लगो सुकून होना चाहिए उस जगह में, ठीक है पैसे से सुकून कभी खरीदा नहीं जा सकता भाई। सबसे बेकार चीज़ मेरे को ये लगती है भाई, देखो भाई अगर आप खाना पीना करना है तो यार ऐसी जगह मत करो जहाँ बच्चे आने जाने हो फैमिली आती जाती हो, देखो पिता को हर कोई है भाई इस चीज़ की एक औकात है तो इसको फेंकने की भी औकात रखो, साफ़ सफाई की भी औकात रखो यार, ऐसे ही पी के चारों तरफ मत फैलाया करो जो कि। तो भाई ये आ गए हैं कुछ पर्यटक यहाँ पे बोटिंग कर रहे हैं, अभी तो थोड़े बहुत आए हैं, देखो बोटिंग कर रहे हैं, बोटिंग का मज़ा ले रहे हैं सारे के सारे, अच्छा है कुल मिला के बोटिंग स्लो मोशन की है बहुत बढ़िया है। तो गाइज कैसा लगा मेरा आपको ये व्लॉग, लाइक करके कमेंट करके बताओ और सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।